एक बेटी को खोए का दर्द आपको पता है क्या होता है? खुद की तो बेटी है नहीं, तभी नहीं समझ पा रही कि हम पे क्या गुजरी है। बताइए इनको, मेरी बेटी, जाओ इसे और बहा दो इसे गंगा में। मैं अपना दर्द क्या बताऊं आपको? आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको आपकी बेटी मिल गई, पर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। मैं बस आपसे प्रार्थना करती हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए डोरी को। काहे समय दे? काहे दे समय? देखिए, डोरी हमारी बच्ची है और हम उसको लेकर जाएंगे बस। वैसे भी उकाना सामान वामान बांधने की कौनो जरूरत नहीं, हम दिलाई देंगे उसको सब। है जी? हाँ मिस राइन, तुम लेकर आओ उसको। मजाक लग रहा है आपको ये सब? हाँ क्या लगता है एक दिन अचानक आप यहाँ आ जाएंगे और कोई कहानी सुनाकर डोरी के माँ बाप बन जाएंगे? बल्कि जिस तरीके से आप डोरी के जज्बातों को, उसके दिल को समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार उसे यहाँ से लेकर जाने की जिद कर रहे हैं ना, मुझे तो शक है कहीं आप उसके माँ बाप हैं भी या नहीं। क्या हो रहा है? हा? अरे देखिए ना बहन जी, हमारी बिटिया को अंदर बंद करके रखा है। दरवाजा भी नहीं खोल रही है। देखो तुमको ना जानने की कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके कौन लगते हैं, कहां से आए हैं, कुछ भी नहीं। तुम दरवाजा खोल दो अभी। और जब तुम उसके कुछ हो ही नहीं तो बीच में काहे पड़ रही हो? हम कह दे रहे हैं आज हम अपनी बिटिया को लेकर जाएंगे बस। अरे हमारी बिटिया, बिटिया डोरी, डोरी कहां? बिटिया डोरी नहीं है, अंदर होगी जी। डोरी, 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 डोरी बिटिया, डोरी कहां है? डोरी, डोरी बिटिया, डोरी, ए डोरी, डोरी कहां है? अरे मिली क्या मिसराइन? अरे कहां है हमारी बिटिया? डोरी, अरे डोरी, 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 अरे हमारी डोरी। अरे उनका तो लगता है इन्हीं लोगों के मन में चोर है, चोर, इसलिए छुपाई दी है ना हमारी बच्ची को। छुपाई दी ना हमारी बच्ची को? आपको तो ये डर लग रहा है कि हमारी डोरी डर से कहीं भाग ना गई हो। मुझे बाबा के पास जाना है, मैं ही उनका परिवार, और वहां जाके उन्हें मुझे याद दिलाना कि मैं उनकी डोरी हूँ और वो मेरे बाबा। ये बाप बेटे एक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ठाकुर साहब ने इसे मेरा सच बता दिया तो मेरे पाप छूने वाला अग्नि मेरी गर्दन दबा देगा। अग्नि, अग्नि, जब तुम पैदा हुआ था ना तब इस हवेली में आग लगी थी, वो दाइमा मुझे चुरा कर यहां से भाग गए, लेकिन उस दिन हम अकेले आग में नहीं जले थे, आज भी हम ये सोच कर अकेले में जल रहे हैं कि अपने बेटे को खोने का घोर अपराध किया है हमने, लेकिन तुम्हारे बाबूजी हमारे साथ नहीं खड़े रहे। तुम्हारे बाबूजी हमें कभी नहीं समझ पाए, ना जब तुम पैदा हुआ और ना ही जब हम आग में चल रहे थे। लेकिन पता है, हर बार हम यही सोचते रहे कि नहीं, एक ना एक दिन हमारा बेटा जरूर वापस आएगा। सालों साल तुम्हारे बाबूजी से हम कहते रहे कि चलिए ना अपने बच्चे को ढूंढते, पर नहीं, हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कि तुम हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। ठीक है, एक साल बाद यश पैदा हो, इन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच मानो बेटा, ऐसा कोई पल नहीं गया जब हमने तुम्हें याद नहीं किया हो।
अगर उस वक्त ये हमारा साथ देते ना, तो महादेव की कसम तुम हमें बहुत पहले मिल जाते। क्या बताएं, ये इनके पास ना ममता और प्यार नाम की कोई चीज नहीं, अगर है तो सिर्फ ठाकुरों का गुरूर और हम तो तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए बेटा, तरस गए थे। हाँ, बहुत तरस गए थे हम। कैलाश जी कहाँ है वो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। बोलो जितना झूठ बोलना है कैलाशी, पर मैं जानता हूं कि तुम इस खेल में आज नहीं तो कल हारोगी। और जैसे मेरा बेटा घर वापस आ गया है, एक दिन मेरी कैलाशी भी वापस आ जाएगी। भौजी, आपने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो ये मान लिया था कि उस हादसे में मैंने तुम्हें खो दिया। सबने कहा और आपने मान लिया? भौजी, अगर एक बार आपने कोशिश की होती तो मैं इतने साल अपने परिवार से दूर नहीं होता। आपको पता नहीं है कि मैं हर पल अपने परिवार के लिए तरसा हूं। माया दीदी ने हमेशा बताया कि मां बाबा का प्यार क्या होता है, उनका साया, उनका सहारा एक छोटे बच्चे के लिए कितनी बड़ी चीज होती है। मैं भी अपने बहू जी के साये के तले पलना चाहता था, बड़ा होना चाहता था, पर आपकी बेरुखी की वजह से उस साया मुझे नसीब नहीं हुआ। नहीं बेटा, देखो मेरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठाकुर साहब, अग्नि लौट कर आ गया है। मेरा बेटा वापस आ गया है, बस शांति मिल गई, सुकून मिल गया। चलो, हमारे बेटे के वापस आने की खुशी में कल हम महाभोज करवाएंगे और अग्नि के हाथों से हम दान धर्म करवाएंगे और फिर घर के सभी सदस्यों के सामने हमारे बेटे अग्नि को उत्तराधिकारी और इस विरासत के वारिस होने की घोषणा करेंगे। ठकुराइन तो पूरी पलट गई भैया, अपने दो आंसू से अग्नि जैसे पत्थर को पिघला दिया। खेल खेलना तो कोई इस औरत से सीखे। वाह, हस्बैंड जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर सासू माँ ने अपने आप को आग में जलाया था तो उनके चेहरे पर कोई निशान क्यों नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा साबुन यूज करती है जो निशान नहीं दिख रहा है? माँ चली ना चली, तुम्हारी बातें बहुत चलाती है, इसलिए चुप रहा हूँ। अब इसको क्या चाहिए? लगता है अभी इसकी भी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बेटे के मालिक की मालकिन जो बन गई है। हे भगवान, हमारे अच्छे दिन कब? छोटी देवरानी जी, क्या है? वो कहा कह रहे थे ना कि जाके जरा तेल गरम कर दीजिए। क्यों, पुड़िया तलनी है? नहीं, तुमको तलना चाहते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि ना, खड़े खड़े हमारे पैर को ज्यादा दर्द कर रहा है, तुम सोचे कि तुमसे तेल गरम करवा लें। देवर जी, हाँ हाँ, कहा है ना कि इस घर में सबसे बड़ा कमरा कौन सा है,
है? सबसे ऊपर। ओ चलो अच्छा ठीक है, अब वो सबसे बड़ा कमरा ना इस घर के नए मालिक और मालकिन का है। हाँ जानू अब थक गए होंगे ना, चलिए ऊपर चल के आराम कर लीजिए। चलिए तेल ले आना, हाँ गरम कर। ये मुझे अंदर जाने नहीं देंगे, पर बाबा से मिलना बहुत जरूरी है।